नमस्कार, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर अलका गुप्ता। आज हम फिर से चर्चा करेंगे कि हमने अभी देखा कि हम यदि गर्भधारण करना चाहते हैं या कंसीव करना चाहते हैं तो हमको कैसे फॉलिक एसिड लेकर अपने आप को मजबूत करना है, अपने शरीर को मजबूत करना है, जिससे कि बच्चे का ब्रेन का विकास हमारा बहुत अच्छे से होगा। तो फॉलिक एसिड वाली चीज़ें ज़रूर से आप लीजिए। अपने को एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी से आपको रिपीट कर देती हूँ, आसन करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, वॉकिंग करिए, ईश्वर के प्रति आस्थावान होइए और ज़रूर से खुली हवा में ज़रूर से जाइए। अगर आप, हो सकता है कि अगर आप कोई हवन करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, तो उसे भी करिए, क्योंकि उससे आप अच्छे से इनहेल करेंगे, उसकी खुशबू को इनहेल करेंगे तो आपका शिशु भी अच्छे से इनहेल करेगा। और साथ में अधिक से अधिक वितरण करिए और पॉजिटिव सोच करिए। अब उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जो गर्भवती हैं, तो गर्भवती होने के बाद फिर से आप डाइट अपनी शुरू करिए। और उसको हम किस प्रकार से करेंगे, आप सवेरे 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 उठते हैं तो सबसे पहले तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीजिए। और यदि उस जल में अगर आप डालना चाहते हैं तो आप कभी उसमें थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी एसिडिटी ठीक होगी। कभी आप उसमें आंवला डाल सकते हैं तो जिससे कि आपको विटामिन सी मिलेगा। और इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट कभी तुलसी की पत्ती डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप जल का जल लीजिए, 3 से 4 ग्लास आप पी सकते हैं, यदि पी सकते हैं तो, नहीं पी सकते तो कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप सवेरे एक रसगुल्ला ले सकते हैं, रसगुल्ला आप खा सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको उल्टी हो रही है तो आप नींबू पानी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आप बहुत ही अच्छा सा ऐसा नाश्ता लीजिए जिसमें अधिक से अधिक आप वेजिटेबल आप डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा वेजिटेबल डाल सकते हैं। वेजिटेबल डाल के आप अपना नाश्ता ले सकते हैं। फिर अगर आप फिर खाना खाते हैं तो खाने में भी डिफरेंट डिफरेंट आप फ्रूट लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार, 2-3 प्रकार की आप सब्जियां लीजिए। आप दही लेते हैं जैसे, तो दही में आप खाना खाने के बाद इस प्रकार से आप, ये है हमारा अलसी, अलसी को पीस के रख लिया, हल्का सा सैलो फ्राई किया है मैंने, और मतलब हल्का सा सेकना है, कुछ भी उसमें तेल वेल कुछ नहीं डाला है। और इसको आप अपने छाछ में आप डाल लीजिए, जब ओमेगा 3 आपको बहुत अच्छे से आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आप बहुत अच्छे से 2-3 प्रकार की चटनियाँ, दही और सलाद, इस सब लीजिए, जिससे पेट आपका अच्छे से भर जाएगा, आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए। जल आपको खाना खाने के बाद पीना। फिर फ्रूट आप लेते हैं तो फ्रूट कोशिश करिए ऐसे फ्रूट लीजिए, ज़रूर से लीजिए, जैसे केला लेंगे, चीकू लेंगे, आप आम लेंगे, ऐसे फ्रूट लेने से आपको एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट वाले खाना आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। शाम का आप जब खाना खाते हैं तो लाई, मुरमुरा, इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। और रात का जब खाना खाते हैं तो भी आप अनाज भी जो लेते हैं तो वो मोटे वाले अनाज की रोटियां और डिफरेंट डिफरेंट रोटियां लीजिए, और खाने को बदल बदल कर आप खाइए। मुखवास के लिए हमको क्या करना है कि इस प्रकार से, ये देखिए सब प्रकार के तेल बीज हैं, इनको मैंने इस प्रकार से बनाया हुआ है, बनाई हूँ। तो इसको आप अधिक से अधिक जितना भी चलते फिरते आप इसको खाइए। जब आप चलते फिरते खाएंगे तो आप देखिएगा आपको जो नेचुरल ऑयल आपको मिलेगा, नेचुरल ऑयल मिलने से बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। इसमें हर प्रकार के तेल बीज इसमें डले हुए हैं, खरबूजे का बीज है, तरबूज का बीज है, पम्पकिन का बीज है, अजवाइन है इसमें, और अपना अलसी के बीज है, इसी प्रकार के बहुत सारे 8-10 प्रकार के बीज है, इनको आप लीजिए। उसी प्रकार से ये नट्स है, हर प्रकार के नट्स हैं, इनको मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। इन नट्स को ऐसे सामने टेबल में रख दीजिए, थोड़ा आते जाते आप थोड़ा सा इसको आप खा सकते हैं। आप साथ में अगर कुछ मीठा बनाते हैं तो उसमें आप डाल दीजिए, और यदि आपको पानी है तो पानी में भी आप डाल दीजिए, उसका आप पानी भी पी सकते हैं। और रात को आप क्या नाम से भिगो दीजिए, भिगोने के बाद आप इसको खा सकते हैं। इसको पीस के आप बहुत अच्छा स्मूथी भी बना सकते हैं। इस प्रकार से अपने खाने में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आप रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका स्वस्थ और सुंदर शिशु उत्पन्न होगा, जिसको पाकर आप भी धन्य होंगे और आपको भी लगेगा कि ये कितनी सिंपल सी डाइट है, जिनके लिए मैं इतनी जगह सर्च कर रही थी मुझको क्या करना, कैसे खाना। तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल से बताई हूँ, और आगे आपको मैं बताती रहूँगी आप क्या क्या खा सकते हैं और कैसे कैसे खा सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों को हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ से कैसे यूज़ कर सकते हैं।
धन्यवाद। इसी प्रकार देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों को इसको बताइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का फायदा होगा और एक स्वस्थ शिशु का निर्माण होकर हमारे देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद।